ये जो क्वेश्चन है हिंदी बोर्ड में ना बहुत बार पूछा गया है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये पूरा जो क्वेश्चन है, ऐसे इसी टाइप में बार 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 पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, सिद्ध कीजिए कि 2 -√3 एक अपरिमेय संख्या है। ओके, पहला वाला करते हैं तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन नंबर 1। तो उल्टा मान लेते हैं, ऐसे क्वेश्चन में माना 2 -√3 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय बोला है तो परिमेय मान लिया, माना एक क्या है परिमेय संख्या है। अब कोई भी परिमेय संख्या जो होती है उसे हम पी बट्टा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर क्यू का मान कभी भी 0 नहीं होता। पी और क्यू क्या होने चाहिए, पूर्णांक होते हैं, और पी क्यू का अगर एच सी एफ निकालोगे तो 1 आता है। ठीक है, ये सब उतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब नियम क्या है कि जो परिमेय होता उसको एक तरफ रखो, जो अंडर रूट वाला है उसको एक तरफ रखो। पी बट्टे क्यू परिमेय है, ये प्लस का इधर के क्या हो जाएगा माइनस का, माइनस का उस तरफ जाके क्या हो जाएगा प्लस का। लॉजिक ही यही है कि अंडर रूट वाले को एक तरफ रखना है, बाकी दुनियादारी को दूसरी तरफ। आपको पता है परिमेय संख्या में परिमेय संख्या जोड़ो या घटाओ परिमेय ही रहता है, परिमेय संख्या में परिमेय संख्या से भाग दो गुणा करो वही रहता है। ठीक है, इसे समीकरण एक मान लो। यहाँ क्या लिखोगे, चूंकि 2 एक परिमेय संख्या है, पी बट्टे क्यूब एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटाएंगे तो परिमेय ही रहेगा, चूंकि 2 -p/q एक परिमेय संख्या है। ठीक है, एक परिमेय संख्या है वह हम जानते हैं, हम जानते हैं कि √3, जैसे कोई भी अभाज्य संख्या के ऊपर अगर अंडर रूट आता है तो वो अपरिमेय होता है। हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए, इस तरफ परिमेय है, इस तरफ अपरिमेय, तो परिमेय अपरिमेय कभी बराबर होते हैं क्या, नहीं। अतः ये जो चीज़ है वो गलत है, क्रॉस लगा दिया। अतः हमारी अवधारणा गलत है, यानी कि जो हमने मान रखा है स्टार्टिंग में वो गलत है। इसलिए 2 -√3 एक अपरिमेय संख्या है। ये हो गया सिद्ध, यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब आ जाओ दूसरे वाले क्वेश्चन में। आपको यूक्लिड वजन प्रमेय का उपयोग कर कर इन दोनों संख्याओं का पहले एचसीएफ निकालना है, फिर इनका एलसीएम भी निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं सॉल्यूशन नंबर 2। संख्याएं हमारे पास क्या है, 867 व 255। ठीक है, ये संख्या है हमारे पास। पहले इनका हमें एच सी एम निकालना है यूक्लिड वजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो बड़ी वाली संख्या को इस तरफ रखते हैं, छोटी वाले को इस तरफ, फिर छोटी वाले से हमें क्या करना होता है, बड़े वाले में भाग देना होता है। ठीक है, तो 3 बार चला जाएगा, 4 बार में 1000 के आसपास जाएगा तो नहीं जाएगा, 3 बार जाएगा। 3 × 5 = 15, हासिल लगा 1, 3 × 5 = 15 और 1 = 16, फिर से हासिल लगा 1, 3 × 2 = 6 और 1 = 7, घटाएंगे 2 बचेगा 0, 102 आ जाएगा। कितनी बार गया, 3 बार, और शेषफल बचा 102। अब इसको इसको लेंगे, यहाँ लिखोगे 255, इधर लिखोगे 102, 102 से भाग देना है 255 में। आपको ये सारा काम यहीं करना है, एग्जामिनर को दिखाना है, पीछे भाग में मत करने लग जाना। 102 दो बार जाएगा तो ये हो जाएगा 204, घटाएंगे तो कितना जाएगा 51। कितनी बार गया, 2 बार, कितना बचा 51। ठीक है, अब 102 इस तरफ आ जाएगा, 51, यहाँ 51 × 102 होता है, पूरा पूरा ना, 51 × 102 घटाओगे तो शेषफल क्या आ गया 0। जब तक शेषफल 0 ना आ जाए तब तक हमें करना होता है,
शेषफल 0 आ गया, और शेषफल के जो ऊपर वाला होता है ना वही हमारा एच सी एफ होता है। एच सी एफ क्या हो जाएगा? 51। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो, वो अंतिम संख्या जिससे आपने भाग दी थी और तब जाके आपको 0 मिली थी, वो आपका एच सी एफ होता है। क्योंकि कभी कभी जो क्वेश्चन है ना वो एक ही लाइन में ख़त्म हो जाते हैं, एक ही लाइन में, तो उस टाइम पे क्या वर्क करता है कि हमने किस संख्या से भाग दिया था जो हमें जाके 0 मिला था। तो जिस संख्या से आपने भाग दी थी अंतिम बार जब आपको 0 मिला, वही संख्या आपका एच सी एफ होता है। वही संख्या आपका क्या होता है? एच सी एफ होता है। तो ये चीज़ हो गई। अब हमें इस क्वेश्चन में 867 और 255 का एल सी एम भी निकालने के लिए बोला है, ठीक है। सो हम जानते हैं प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या बराबर होता है एच सी एफ गुणा एल सी एम। इस नियम को जानते होगे आप, बच्चा बच्चा जानता होगा इस नियम को, बहुत ही सरल और आसान सा नियम है। एक दो संख्याओं पर ये नियम लागू होता है, ठीक है। तो हमें दिया क्या है क्वेश्चन में? प्रथम संख्या 867 है, द्वितीय संख्या हमारे पास क्या है? 255 है। इन्हीं दो संख्याओं का हमें एल सी एम निकालना है। अभी हमने एच सी एफ ज्ञात किया कितना? 51। और हमें क्या निकालना है? एल सी एम। अतः, ठीक है, अतः इसमें रख देंगे। प्रथम संख्या कितनी है? 867, द्वितीय संख्या हमारी है 255, एच सी एफ हमारा 51 है, हमें एल सी एम ज्ञात करना है, ठीक है ना। ये 51 इधर क्या है? गुणे में है, इधर आके क्या हो जाएगा? बट्टे में आ जाएगा, और यहाँ एल सी एम बचेगा। तो काटिए 51 से कितनी बार जाएगा, अगर आप देखें 3 से कटेगा। 51 से डायरेक्ट काट सकता था, लेकिन मैं 3 से काट के दिखा रहा हूँ। 3 1 3, ठीक है, 3 1 3, 3 7 21, 3 8 24, 3 5 15, 17 5, 5 बार जाएगा, ठीक है ना। तो 867 को आपको किससे गुणा करना है? 5 से। 5 7 35, हासिल लगा 3, 5 6 5 30, 30 और 3 33, हासिल लगा 3, 8 5 40 और 3 43, तो ये हमारा एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में ज़रूर आया होगा।